दोस्तों लद्दाख सीरीज के एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। लास्ट व्लॉग में हमने विजिट किया था इंडिया का लास्ट विलेज थांग, जहां से हमें LOC और POK देखने को मिला। उसी सफर को जारी रखते हुए हम निकल पड़े थांग विलेज से वापस खलसर की तरफ, जिसे नुब्रा का रेगिस्तान भी कहा जाता है। खलसर का फेमस होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि यहां पर होने वाली एक्टिविटीज, जहां पर आप ATV राइड्स, जिप लाइन और कैमल राइड्स जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अभी तक की इस पूरे लेह लद्दाख सीरीज में हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। अगर आप लेह लद्दाख मई में प्लान करते हैं तो इस टाइम पे जो आपको रोड की कंडीशंस है वो काफी अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन साथ साथ में आपको मई में काफी ठंड भी फेस करने को पड़ सकता है। तो अगर आप ठंड झेल सकते हो तो मई आपके लिए बहुत अच्छा मंथ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना ज्यादा क्राउड नहीं मिलेगा रोड्स में, ट्रैफिक नहीं होगा और रोड की जो कंडीशंस है वो काफी अच्छी होती है। नहीं तो आपने काफी सारे ब्लॉग्स देखे ही होंगे जुलाई और अगस्त मंथ के, जहाँ लद्दाख में कई रोड्स पर घंटों घंटों का ट्रैफिक लगा होता है और आपका पूरा दिन निकल जाता है उसी ट्रैफिक में। अब करीबन 30 मिनट की ड्राइव के बाद हम फंस गए थे एक रोड ब्लॉकेज में, जहाँ पर BRO की टीम, जिसे हम ब्रो भी कहते हैं, ऊपर से आने वाले मलबे को साफ कर रही थी। जाम में फंसे हैं, आई थिंक वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हो गई है, क्या हुआ है जिसी भी दिख रही है काम करते हुए। तो ये सारी गाड़ी ऐसे लाइन में खड़ी हुई है, हमने खड़ी कर दिया, सब लोग बाहर आ गए हैं और जाम काफी लंबा लग रहा है क्योंकि ये रोड ऐसे घूम के जा रही है। हमारे पास कुछ करने को था नहीं उस टाइम, गाड़ी में बैठे बैठे बोर भी हो गए थे। और फोटो क्लिक करने के बाद हमें मिले यहाँ के लोकल पर्सन मोहम्मद सादिक, जो एक पास के ही गाँव तुरतुक के रहने वाले थे। और इस कड़ाके की ठंड में उन्होंने हमें ऑफर किया लद्दाख की फेमस चाय, जो नॉर्मल चाय से दिखने में एकदम अलग है और ऐसा ही उसका स्वाद भी बिल्कुल अलग है। तो शादी के अपनी चाय दिखा रहे हैं लद्दाख की, तो इसको बनाते कैसे, पानी में उबाल दिया बस हो गया? नहीं, इसमें पानी डालता है। हाँ, इसको बनाने से पहले वो चाय पत्ती होता है। हाँ, नॉर्मल चाय पत्ती, चाय पत्ती जैसे ही होता है, वो कश्मीर से आता है। अच्छा अच्छा, फिर उसको पहले उबालना है पानी डाल के, ठीक ठाक जब तक काला नहीं होता है उबालना है, अलग उबालना है। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद इसमें पानी डालना है, उसको उबाल के अलग रखना है, छानवाना नहीं है। अच्छा, पूरा पहले मतलब चाय पत्ती जैसे उबाल दिया काला हो गया उसको अलग रखना है। अच्छा, अलग दूसरे पतीले में रख देना। ओके, फिर दूसरा पतीला चढ़ा दिया पानी डाल के, फिर उसके बाद में वो चाय पत्ती का वो डाल देना, दूध डालना है, मक्खन डालना है। मक्खन? हाँ यस, मक्खन का उसमें नमक जो टेस्ट का आएगा मक्खन का आएगा। अच्छा, आप टेस्ट कीजिए। केसर खाएंगे आप? नहीं नहीं, खा ले तो मेरे पास आएगा। नहीं एक्चुअली मैंने खाया हुआ पहले। अच्छा, खा लिया आपने? खाना नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ी अलग सी चाय है, केसर अलग सी है। तो टेस्ट तो मुझे टाइम लग रहा है, अलग अलग चीज़ का टेस्ट आ रहा है। ठीक है, देख ये है कि जाग जाएगा अगर सोया तो है ना, इसे इसे फ्रेश दूध नहीं होता उसका भी आ रहा है, मक्खन का भी आ रहा है, जैसे गाय से एकदम निकालते हैं ना दूध, वो वाला उसका टेस्ट भी आ रहा है। सर आपको ये आदत नहीं होगा इस? हाँ, वो ऐसा ऊपर से कोई बोल दे चाय है तो दिमाग में वो रहता है कि चाय अलग है। नहीं, मैं पीते नहीं भाई चाय तो कैसे भी। एक थर्मस लेके ही घूमता हूँ मैं, एक बोतल। अच्छा, तो यहाँ पे नॉर्मली यही चाय पीते हैं लोग या फिर वो नॉर्मल वाली? अच्छा, और ज़्यादातर यही पीते हैं लद्दाख। तो यहाँ पे कैसे रहता होगा, क्योंकि इतनी चीज़ें दूर दूर है, घंटों घंटों तक जाना पड़ता है, सब कैसे मतलब सामान वामान कुछ चाहिए? आ जाता है सर, सोचने की बात है, दिमाग हमारा आ जाता है। अच्छा, आ जाता है, स्टॉक हो जाता है विंटर का। अच्छा, स्टॉक फिर विंटर में अंदर ही रहते हो? खुला रहता है हमारा हमेशा, खुला रहता है। अच्छा, अच्छा ये वाला रोड खुला रहता है? हाँ, ये वाला तो खुला ही रहेगा। अच्छा, तो BRO करता होगा क्लियर वगैरह? हाँ, तो पूरा BRO। अच्छा, BRO भी लेता है, आर्मी भी लेता है, इंडियन आर्मी। अच्छा, यहाँ पे आर्मी ज्यादा डिप्लॉय है ना? हाँ, आर्मी ज्यादा है, बॉर्डर इलाका। हाँ, मुझे लग रहा है एक घंटा खराब हो गया होगा यहाँ पे, डेढ़ घंटा यार साले वहाँ पहुंचे से एंड यूज पहुंच जाते देर में।
दोस्तों काफी लंबे सफर के बाद हम पहुंचे हमारी डेस्टिनेशन की तरफ खलसर विलेज, जहां पर आपको एक्टिविटीज के अलावा बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप व्यू देखने को मिलते हैं। इस जगह का फेमस होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, यहां पर होने वाली मूवीज की शूटिंग। यहां पर काफी बड़ी बड़ी मूवीज जो है वो शूट हुई है, जैसे कि एक मूवी का नाम बताना चाहूंगा, भाग मिल्का भाग फिल्म मेकिंग पॉइंट। यहाँ पे इनका एनकाउंटर, यहाँ पे इनका काउंटर, यहाँ पे पूछते हैं टिकटिंग चार्जेस वगैरह। भैया क्या क्या एक्टिविटी होती है यहाँ पे? ATV बाइक है। क्या क्या चार्जेस दोनों का? अच्छा, और ATV का डबल का 1200, सिंगल का 1000 रुपीस। अच्छा, और एक कितने देर का होता है ATV वाला? ATV का होता है 10-15 मिनट तक लग जाते हैं। मतलब खुद चलाएंगे ना हम लोग? हाँ, आप लोग खुद चलाएगा। तो ये इसी एरिया में पूरा ट्रैक बना हुआ है ना। अच्छा, हाँ जी। और गाइड तो हमारा जाएगा। अच्छा, डबल में भी जाएगा। तो डबल में हम लोग आप बीच में चेंज कर सकते हैं। हाँ जी। तो 10 से 15 मिनट या फिर कहीं 5 मिनट में वापस ले, ऐसा तो नहीं? 10-15 मिनट में लग जाते हैं। और जिप लाइन से फिर कैसे आप लेके जाते हो ऊपर? हाँ जी, ऊपर अपना गाड़ी आएगा। अच्छा, वो लेके जाएगा और वहाँ पे लेने के लिए आएगा। हवा चल रहा है ना, तो अभी मुश्किल हो जाएगी। इंजॉय जितना करना है उतना नहीं कर पाएगा, तो क्या दिखेगा? खोल लेंगे चश्मा पहन के। ATV राइड जो हम लोगों को थोड़ी देर में करने वाले हैं, अभी 10-15 मिनट का वेटिंग टाइम है। बाकी एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, जिप लाइन। देखो जिप लाइन वो वहाँ से स्टार्ट होती है, जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हो टावर, मैंने पीछे व्लॉग में दिखाया था, यहीं से हम लोग आए हैं। एंड ये पूरा ये जाता है और वो जो येलो वाला दिख रहे हो ना, यहाँ तक है ये। बट अभी क्योंकि मौसम अच्छा नहीं, बहुत तेज हवा चल रही है, तो जो इंस्ट्रक्टर है उसने मना कर दिया कि इस टाइम जिप लाइन नहीं हो सकती, मॉर्निंग के टाइम होगी। मॉर्निंग में 7 बजे से ये एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। खलसर जगह है, खलसार। जिप लाइन की अगर बता दो, जिप लाइन की जो प्राइसेस है वो 3500 पर पर्सन बता रहे हैं। उसमें ज़्यादा लोग करते हैं तो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत बार्गेनिंग हो सकती है, लाइक 4-5 लोग करते हैं तो 3000 रुपीज़ पर पर्सन कर देंगे। बट अभी फिलहाल तो कर नहीं रहे क्योंकि वेदर ख़राब है। चलो स्टार्ट करें भैया। मैं जा रहा हूँ, पहले बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं ATV राइड कर रहा हूँ। लेट्स सी, ये एक्सीलेटर है, कुछ नहीं करना है, ब्रेक एक्सीलरेशन कम देने से आपसे आप रुक जाएंगे। ये क्या है? क्या ये कुछ नहीं करना यहाँ पे? नहीं करना, ब्रेक ही मत दीजिए। ब्रेक नहीं दूंगा, ठीक है। टर्निंग में थोड़ा स्लो कर दीजिए, चढ़ाई में टर्निंग मोड। हाँ, अच्छा, उतना ही, सिंपल है। बस ये इससे एक्सीलेटर देना है, बाकी कुछ नहीं करना और। ठीक है, चलो करेंगे। आप इसको पकड़ोगे? ओह, मैंने फंसा दिया। चिल भैया, चिल, ऐसा होता है, नहीं होता है, चिल। अगर हम परफेक्ट होते तो हम भी तो यही काम कर रहे होते, फिर तभी तो आए हैं।
सो मैंने तो कर ली एटीवी राइड। इसमें बस एक ही एक्सीलेरेशन होता है, कुछ नहीं होता, ब्रेक नीचे होता है, लेकिन वो किसने सिर्फ ये दबाना है, एक ही एक्सीलेरेशन होता है। इसको प्रेस करोगे तो एक्सीलरेट करेगी, उसको छोड़ दोगे तो ब्रेक लग जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस करी यहाँ पे, टाइमिंग। ये बोलते तो हैं 10 से 15 मिनट, लेकिन कोशिश करते हैं कि ऐसे 7-8 मिनट ही आपकी राइड हो, राइड स्टार्ट होगी, टाइम नोट कर लेना कि कितने मिनट की वो राइड करवा रहे हैं। बट मज़ा आया, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अच्छा था। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो बढ़िया। बढ़िया, तुम्हें चलाई? चले चलाई नहीं तूने? मुझे पहले आती है बाइक चलाने। इसको कौन सा आती चलानी है? ये बड़ा नहीं है यार उसका। हम लोगों ने बुक करा लिया अपना रूम यहाँ पे, सुमोर जगह है फिलहाल, ये है रूम हमारा। ये एक्चुअली गेस्ट हाउस है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है सुमोर में, पर्सनली बताऊँ। एक्चुअली हमें जाना था पैंगोंग की तरफ, लेकिन पैंगोंग में लोग बहुत लेट हो जाते हैं, तो हम लोग वापस आए। गलती हमें कर दी हमें सुमोर आ गए, हम लोग सुमोर नहीं आना चाहिए था, हमें जाने देते डिस्किट या फिर हुंदर। पार्लर में ही दोनों, मतलब एक रोड कटती है, राइट हैंड साइड को सुमोर जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं डिस्किट। हमने गलती कर दी, हमने लगा सुमोर बहुत पास है तो हम लोग राइट मोड़ गए। बाकी ये कि हाँ, ये गेस्ट हाउस बहुत अच्छा है अगर कोई सुमोर में रहना चाहता है, क्योंकि जस्ट सीजन स्टार्ट हुआ है तो 1250 रुपये में हमें ये रूम मिला। एक और चीज़, यहाँ पे ना पेट्रोल पंप की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, नुब्रा वैली में कैश चलता है, क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी नहीं है, UPI थोड़ा बहुत है कहीं जब 40-50%, बट मोस्टली आप क्या करो, कैश लेके चलो। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, प्लीज वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।